अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं केसर मावा बर्फ़ी। बहुत ही कम सामान में एकदम टेस्टी और यमी ये रेसिपी है, बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती है। आप देख सकती हैं कितनी बढ़िया एकदम दानेदार ये हमारी मिठाई घर पे बनी है। जितनी दानेदार और परफेक्ट ये हमारी बर्फ़ी बनी है उतना ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए एकदम आसान और बहुत ही टेस्टी केसर मावा बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। केसर मावा बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो मावा लिया है। तो एकदम बढ़िया दानेदार ये मावा है और बिल्कुल ताज़ा है ये। तो इसे हम सबसे पहले पकाएंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। तो ये कढ़ाई में हम डाल देते हैं मावा। लो टेम्परेचर पे यानी कि मध्य आंच पे हम इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसकी जो गुठली है उसे बिल्कुल ख़त्म करना है, बिल्कुल भी कढ़ाई से लगे नहीं, इस बात का ख्याल रखें। और अगर आपका मावा बहुत ज़्यादा कड़क है तो आप इसे कद्दूकस कर लें, उसके बाद भी आप इसे अच्छे से भून सकती हैं। तो 2 मिनट तक हम इसे मध्य आंच पे पका लेते हैं। मावे को हमने करीब 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। आप देख सकती हैं काफ़ी खिला खिला ये दिख रहा है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच गरम दूध लिया है। इसमें हम 2 चुटकी केसर डालेंगे। केसर को हम अच्छे से दूध में भिगा देते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे। इससे केसर बहुत ही अच्छे से भीग जाएगी और केसर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यह हमारा मावा भी बिल्कुल अच्छे से भून के तैयार है। तो अब हम इस मावे को एक थाली में निकाल लेते हैं। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है हमने फिर से ये कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। इसमें हम ये मैदे को भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप मैदा लिया है। अगर ग्राम्स में देखें तो करीब 75 ग्राम ये मैदा है। इसे हम अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर यानी कि मध्य आंच पे भूनेंगे। हमें मैदे का कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, हमें बस इस पर जो कच्ची स्मेल है उसे निकालना है। तो बिल्कुल धीरे धीरे हम इसे भूनेंगे। करीब 1 मिनट तक हमने मैदे को भून लिया है। तो अब हम इसे भी मावे में डाल देते हैं। अच्छे से हम इसे मिला देते हैं मावे में। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़े, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। और अब हम इसमें केसर वाला दूध डाल देते हैं। इसके साथ मैंने केसर भी डाल दी है जो हमने भिगा के रखी थी। अच्छे से हमने इसे मिला दिया है और ये इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे आसानी से हाथ लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें बारीक पीसी हुई चीनी यानी कि शुगर पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप शक्कर डाली है। अगर ग्राम्स में देखें तो 100 ग्राम शुगर पाउडर है ये। अच्छे से हम इसे मिला देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे ऐड करना है, एक साथ पूरी ऐड नहीं करें नहीं तो इसमें गुठली पड़ जाएगी। हम इसमें कलर भी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये फूड कलर लिया है, इसे मैंने थोड़े से दूध के अंदर अच्छे से घोल लिया है। करीब 2 चुटकी मैंने यहाँ पर कलर लिया है, लेमन येलो फूड कलर है ये। इससे केसरी रंग बहुत ही अच्छा आएगा बर्फ़ी का। और मैंने यहाँ पर थोड़े से शक्कर के दाने के साथ इलायची को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। 2 से 3 इलायची का मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है, इसे भी मैंने डाल दी है। अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं। अगर हम पहले ही सभी चीज़ों को डाल देते तो जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो जाती। हाथ से हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली नहीं रहे। फिर से हम इसमें 1 कटोरी शक्कर डालेंगे। 1-1 कटोरी शक्कर हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर मैं 1 किलो मावे के लिए 400 ग्राम शुगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठास चाहती हैं तो आप 1 किलो में 500 ग्राम शक्कर डालें। बहुत ही अच्छे से हमने सभी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर दिया है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी गुठली नहीं है। तो अब हम इसे जमाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे जमाने के लिए एक जर्मन की थाली ली है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें जो मिठाई जमाने की ट्रे है वो नहीं मिलती है, या फिर जो फ्लैट बॉटम की ट्रे रहती है वो नहीं मिलती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये थाली में जमा कर दिखा रही हूँ। इससे भी बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्ट हमारे पीस मिल जाते हैं मिठाई के। तो ये मैंने थाली को अच्छे से ग्रीस कर दिया है यानी कि बहुत अच्छे से मैंने इस पर देसी घी लगा दिया है। ये मिठाई का मिक्सचर हम इस पर डाल देते हैं। तो इसे हम अच्छे से ऊपर से लेवल करेंगे।
हमें इसे ऊपर से एक जैसे करना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला बिल्कुल भी नहीं रखी। अच्छे से हमने इसे लेवल कर दिया है, तो अब हम इस पर केसर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने दो चुटकी केसर को अलग से भिगा के रख दिया था, तो ये केसर को हम दूध से निकाल कर लगा देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं नहीं तो नहीं लगाएं, पर इससे बर्फ़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और एकदम बढ़िया ये दिखती है। हमने अच्छे से इस पर केसर लगा दी है, तो अब हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है हमारी केसर बर्फ़ी का। आप चाहें तो इस पर बारीक कटी हुई बादाम भी डाल सकती हैं, और अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं पसंद करती हैं तो आप इसे भी इसे सर्व कर सकती हैं। इसे हम हल्का हल्का दबाएंगे, जिससे जो हमारे पिस्ते हैं ये बर्फ़ी को खाते टाइम या फिर बर्फ़ी को काटते टाइम निकलेंगे नहीं। और अब हम ये बर्फ़ी को सेट होने देंगे, तो हम इस बर्फ़ी को करीब 4 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ये बर्फ़ी को 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं। 4 घंटे हो चुके हैं, हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं। आप यहाँ पर बर्फ़ी को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जिसे आपको पसंद हो वैसे काट सकती हैं। मैं जैसे मार्केट से आते हैं रेक्टेंगल पीस, बिल्कुल वैसे ही इसे कट कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ही हमारी बर्फ़ी कट हो रही है। बर्फ़ी को सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ही हमारी बर्फ़ी निकल रही है, एकदम आसानी से ही निकल गई है, और कितनी बढ़िया दानेदार ये बनी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे। और ये हमारी बहुत ही आसान, एकदम टेस्टी और बहुत ही बढ़िया केसर मावा बर्फ़ी बनके तैयार है। आप देख सकती हैं कितनी बढ़िया ये दिख रही है, और सिर्फ़ 1 किलो मावे में कितनी सारी ये हमारी मिठाई बनी है। आप देख सकती हैं कितनी दानेदार है ये, और मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से भी एकदम दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट है ये, मार्केट से भी बहुत ही अच्छी ये हमारी मिठाई घर पर बन के तैयार हो जाती है। इसका टेस्ट इतना बढ़िया रहता है कि आप इसे एक बार बनाएंगी तो आप इसकी फ़ैन हो जाएंगी। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी बहुत ही सिंपल और एकदम आसान केसर मावा बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।